हम देख सकते हो कार स्टार्ट हो गई है। हेलो दोस्तों, टेक्निकल अमेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रेनो मेगन कार का मोड इंस्टॉल करने वाले हैं, तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कार मोड को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिर्फ ओपन एवी की ज़रूरत होगी। उसका इंस्टॉलेशन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओपन एवी को इंस्टॉल कर लीजिए। ओपन एवी को इंस्टॉल करने के बाद इस कार मोड को डाउनलोड कर लीजिए। इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कार मोड को डाउनलोड करने के बाद आपको इसे दिखाई देगा, इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फोल्डर आएगा, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद ऐड ऑन का एक फोल्डर आएगा, उसको भी ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद फाइल्स में जाइए, उसके बाद GTFI मेन फोल्डर को ओपन कीजिए। GTFI मेन फोल्डर को ओपन करने के बाद मॉड्स का फोल्डर दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। अगर आपके पास मॉड्स का फोल्डर नहीं है तो क्रिएट कीजिए। मॉड्स के फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इस अपडेट फोल्डर को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद मॉड्स के फोल्डर में पेस्ट कीजिए। मॉड्स के फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इस मॉड्स फोल्डर को ओपन कीजिए। उसके बाद अपडेट में जाइए, उसके बाद SCC4 DLC पैक्स, उसके बाद यहाँ आपको एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना होगा। इस फोल्डर का नेम आपको टाइप करना होगा MERS18 MERS18। इस फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इस फोल्डर को ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद एक्स्ट्रा किया हुआ फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ आपको DLC.RPF की एक फाइल मिल जाएगी। इस फाइल को अभी क्रिएट किए हुए फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद GTFI मेन फोल्डर को क्लोज कीजिए। उसके बाद एक्स्ट्रा किया हुआ फोल्डर पर बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ इंस्ट्रक्शन का एक चर्चा कमेंट दिख रहा है ना, इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद यहाँ आपको एक लाइन मिलेगी, आइटम DLC पैक्स MERS18 आइटम। इस लाइन को कॉपी कीजिए। इस लाइन को कॉपी करने के बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद ओपन एवी को ओपन कीजिए। ओपन आई वी ओपन होने के बाद एडिट मोड पे क्लिक कीजिए, यस। उसके बाद मॉड्स में जाइए, उसके बाद अपडेट .RPF कॉमन डाटा। उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ DLC लिस्ट XML का एक तेजिक रहना है, इसको राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद एडिट में जाइए। एडिट में जाने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ लास्ट में कॉपी की हुई लाइन को पेस्ट कीजिए। कॉपी की हुई लाइन को लास्ट में पेस्ट करने के बाद सेव कीजिए। तो दोस्तों, हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, डन। चलो अब GTFI ओपन करते हैं। तो दोस्तों, GTFI ओपन करने के बाद आप कौन से भी ट्रेनर से इस कार को स्पॉन कर सकते हो। यहाँ आपको इस कार का मॉडल नेम आपको मैनुअली टाइप करना होगा, MERS18। इतना टाइप करने के बाद इंटर कीजिए। तो दोस्तों, हम देख सकते हो रेनो मेगन कार आ गई है, या हम देख सकते हो। ओ भाई साहब, खतरनाक लुक है। या हम देख सकते हो कार आ गई है। या हम देख सकते हो उस कार का इंटीरियर। रेनो का लोगो, मेगेन की बैजिंग, RS की बैजिंग। चलो अब हम इस कार को ले लेते हैं।
मैं आपको इस कार का साउंड फिर से सुना देता हूँ। यह हम देख सकते हो कार स्टार्ट हो गई है। इसके हेडलाइट्स, ओ भाई साहब, मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। ये हम देख सकते हो इस कार का इंटीरियर। ओ भाई साहब, खतरनाक साउंड है। ओ भाई साहब, इस कार में आपको हेडअप डिस्प्ले भी मिल जाएगा, सामने आप देख सकते हो। ओ भाई साहब, चलो मैं इस कार के सब डोर्स को ओपन कर देता हूँ। ये हम देख सकते हो मैंने इस कार के सब डोर्स को ओपन कर दिया है। ये हम देख सकते हो, चलो मैं इस कार के सब डोर्स को क्लोज कर देता हूँ। चलो अब हम इस कार का नेट का लुक देख लेते हैं। ये हम देख सकते हो इस कार का नेट का लुक। ओ भाई साहब, इसके हेडलाइट्स, इसके इंडिकेटर्स, इसके टेल लाइट्स आप देख सकते हो। चलो अब हम इस कार का साउंड और इस कार की टॉप स्पीड को टेस्ट करते हैं। ओ भाई साहब, खतरनाक साउंड है। ब्रेक्स भी मस्त है। तो दोस्तों यही था आज वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।